अब रिटेनिंग वाल का निर्माण शुरू। मंदिर के तीन तरफ बन रही है मजबूत और मोटी दीवार। रिटेनिंग वाल का काम पूरा होने के बाद परकोटे पर होगा काम। रामकोट के चौबुर्जी में बन रहा राम मंदिर ट्रस्ट का नया कार्यालय। अयोध्या के बेगमपुरा मोहल्ले में शिफ्ट होगी पीएसी बैरक। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। रात दिन मंदिर की नींव का एक एक पत्थर रखा जा रहा है। निर्माण कार्य में तेजी को देखते हुए माना जा रहा है कि 24 माह के बाद श्री रामलला मंदिर के पहले तल और गर्भगृह स्थल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद उम्मीद है कि 2023 में श्री रामलला के मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन मिलने लगेगा। नींव के निर्माण के साथ ही अब मंदिर की सुरक्षा के लिए रिटेनिंग वाल बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर राफ्ट की ढलाई का काम भी चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मिर्जापुर के बलुआ पत्थर और यशवंतपुर के ग्रेनाइट पत्थर से प्लिंथ का निर्माण कार्य शुरू होगा। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं इस हफ्ते राम मंदिर निर्माण की प्रगति और अयोध्या के विकास की यात्रा के बारे में। रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य शुरू। राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। 1.5 मीटर मोटी राफ्ट डालने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसी के साथ राम मंदिर के तीन तरफ बनने वाली रिटेनिंग वाल यानी सुरक्षा की दीवार के निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। L&T ने पश्चिम दिशा से वाल का निर्माण कार्य शुरू किया है। मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए 12 मीटर गहरी दीवार बनाई जानी है। राम मंदिर के तीन तरफ पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य होगा। रिटेनिंग वाल का निर्माण होने के बाद परकोटे का काम शुरू होगा। परकोटे का निर्माण भी पश्चिम दिशा से ही शुरू किया जाएगा। पश्चिम दिशा में रिटेनिंग वाल के लिए खुदाई अब लगभग पूरी हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के अनुसार रिटेनिंग वाल का निर्माण पत्थरों से किया जाएगा, कहीं भी ईंट और लोहे का प्रयोग नहीं होगा। 20,000 वर्ग फुट में श्री राम मंदिर ट्रस्ट कार्यालय। मंदिर निर्माण के साथ ही रामलला परिसर में अन्य कार्य भी चल रहे हैं। अभी तक अस्थायी भवन में चल रहा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कार्यालय भी कुछ माह बाद अपने भवन में चलने लगेगा। ट्रस्ट के अस्थायी कार्यालय के लिए मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने रामकोट क्षेत्र में चौबुर्जी मंदिर के पीछे निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। ट्रस्ट का अस्थायी कार्यालय 20,000 वर्ग फुट में बनेगा। ये आधुनिक सुविधाओं से सज्जित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के अनुसार 20,000 वर्ग फुट में 2 मंजिला भवन बनाया जाएगा, जिसमें 17 कमरे, 1 मीटिंग हॉल, किचन और अतिथि कक्ष बनाया जाएगा। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कार्यालय दर्शन मार्ग पर स्थित राम कचहरी मंदिर के भवन में अस्थायी रूप से संचालित है। कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता के अनुसार जल्द ही कार्यालय अपने अस्थायी भवन में शिफ्ट हो जाएगा। आधुनिकतम सुविधाओं से लैस होगा राम मंदिर परिसर। राम मंदिर निर्माण समिति मंदिर के निर्माण कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है। समयबद्ध तरीके से काम हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। मंदिर निर्माण के साथ ही पूरे 70 एकड़ का क्षेत्र भी खूबसूरत होगा। इसीलिए ट्रस्ट मंदिर निर्माण के समानांतर ही मंदिर परिसर में भक्तों के लिए सुविधाएं विकसित करने का
खाका खींचने में लगा है। 70 एकड़ का लैंडस्केप बेहद ही खूबसूरत होगा। जगह जगह पौधरोपण किया जाएगा। परिसर के अंदर मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, शौचालय आदि को भी आधुनिकतम तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यात्रियों के सामानों को सुरक्षित रखने के लिए अमानती घर बनाए जाएंगे। मंदिर निर्माण समिति का जोर पूरे परिसर को इको फ्रेंडली बनाने पर है। इसीलिए दुनिया भर में जहाँ कहीं भी धार्मिक स्थल बन रहे हैं वहाँ की तकनीक और उनमें मौजूद सुविधाओं का अध्ययन मंदिर समिति कर रही है। यदि किसी तकनीक का हस्तांतरण संभव है तो उसे लेने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मंदिर को खूबसूरत बनाया जा सके, साथ ही उसका परिसर भी खूबसूरत हो। कंभों में लगाई जाएंगी 34 टन तांबे की पत्तियां। राम मंदिर न सिर्फ भव्यता की मिसाल होगा बल्कि मजबूती और तकनीक के मामले में भी दुनिया के चुनिंदा मंदिरों में शामिल होगा। राम मंदिर को भूकंप के झटकों से सुरक्षित रखा जा सके इसके लिए तांबे की पत्तियां लगाई जाएंगे। राम मंदिर की दीवारों पर कुल 34 टन तांबे का प्रयोग किया जाना है। मंदिर में झारखंड की खदानों से उत्पादित तांबे का उपयोग होगा। 34 टन तांबा की कीमत आज की LME प्राइस के मुताबिक 2,30,00,000 रुपए के लगभग होगी। लंदन मेटल एक्सचेंज के तहत 1 टन तांबा की कीमत अभी $9,000 है। भारतीय रुपयों में इसका आकलन किया जाए तो 1 टन तांबा की कीमत 6,75,000 रुपए के लगभग होती है। L&T के पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों को सैंपल देकर ये तय करना है कि तांबे को मंदिर निर्माण में उपयोग में लाया जाए या नहीं, यह तांबा ठीक है या कि नहीं, इसकी जांच IIT चेन्नई की प्रयोगशाला में किया जाएगा। तांबे की ये पत्तियां भूकंप के दौरान पत्थरों को हिलने से बचाएंगी। राम जन्मभूमि परिसर में अब नहीं रहेगा PAC का बैरक। धीरे धीरे राम मंदिर निर्माण का काम गति पकड़ने लगा है। इस गति को बरकरार रखने के लिए परिसर में पर्याप्त मात्रा में मटेरियल के लिए स्टोरेज की जरूरत है। लेकिन राम जन्मभूमि परिसर के लैंडस्केप को देखते हुए यहां जगह कम पड़ रही है। यही कारण है कि परिसर से ट्रस्ट कार्यालय, पुलिस कंट्रोल रूम और राम जन्मभूमि पुलिस चौकी और PAC की बैरक को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वो PAC के आवास के लिए ज़मीन की व्यवस्था कराए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट बैरक का निर्माण करा देगा। जिला प्रशासन ने बेगमपुरा मोहल्ले में 45,000 वर्ग फुट नजूल भूमि चिन्हित की है, लेकिन इस साइट पर बड़े पैमाने पर बड़े वाहनों के आवागमन की असुविधा के कारण इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। जैसे ही जमीन मिल जाएगी ट्रस्ट निर्माण कार्य शुरू करवा देगा। मंदिर निर्माण के साथ ही भक्तों की चिंता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण के साथ ही मंदिर परिसर में आने वाले हर एक भक्त की सुख सुविधा का भी अभी से ख्याल रख रहा है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में भविष्य में यदि आग लग गई तो उसे कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक के उपकरण परिसर में लगाए जाएंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार 70 एकड़ परिसर में अग्निशमन व्यवस्था विश्व स्तरीय होगी। एक समय में 50,000 से अधिक लोग रामलला की ओर जाने वाली सड़क पर चलेंगे। इनका नियंत्रण सुगमता से हो। 70 एकड़ के क्षेत्र में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर प्लांट बेहतर हो। इलेक्ट्रिक की सुविधा साफ सुथरी हो। परिसर में पानी की भरपूर उपलब्धता हो। इन तमाम बिंदुओं पर ट्रस्ट काम कर रहा है। जनवरी 2022 में भक्तों से जुड़ी हर छोटी छोटी बातों पर काम शुरू करने की योजना है। मंदिर के नक्शे को पास कराने के कागज नहीं मिले।
राम मंदिर निर्माण का कार्य तो तेजी से जारी है, लेकिन रामलला की जन्मभूमि के बदले मिली मस्जिद की जमीन पर अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर रौनाही में मस्जिद की जमीन पर अब तक सिर्फ मस्जिद ट्रस्ट का बोर्ड ही टंग पाया है। मस्जिद ट्रस्ट अयोध्या विकास प्राधिकरण को मस्जिद के नक्शे को पास कराने के लिए मांगे गए दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। कागजी कार्यवाही पूरी न हो पाने के कारण मस्जिद निर्माण में देरी हो रही है। धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 23 मई 2021 में ऑनलाइन नक्शा जमा किया गया था। इसके बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट से एयरपोर्ट अथॉरिटी सहित जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम, फायर विभाग, एलिगेशन डिपार्टमेंट सहित कई अन्य विभागों की एनओसी मांगी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी ये सब चीज़ें प्राधिकरण को नहीं मिल पाई हैं, इसलिए विलम्ब हो रहा है। तो ये रही राम मंदिर और मस्जिद की इस हफ्ते की प्रगति रिपोर्ट। राम भक्त मित्रों, राम मंदिर का निर्माण का ये शो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, कार्यक्रम को शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में इस शो के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जा सके।